तो कल हमने पढ़ लिया था बायोट सावर्ट लॉ, तो आज हम इसके एप्लीकेशन देखेंगे। वो पहली एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, राइट। तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे हम, वो हम देखते हैं। पहले हम बनाएंगे इसके लिए डायग्राम। एक स्ट्रेट वायर लेंगे हम एक, राइट। इसमें मान लो करंट फ्लो हो रहा है आई, ओके। तो हमने एक जगह पे फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड, लेट्स से पॉइंट पी है। इट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड फॉर एनी पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो ये एक्स डिस्टेंस पे लेंगे हम ये पॉइंट, ओके। तो हम क्या करेंगे इसमें, अज्यूम जैसे मैंने आपको कल बोला था, एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेंगे हम। लेट्स से दिस इज द करंट एलिमेंट, करंट इज आई एंड इट्स लेंथ इज डीएल, सो द करंट एलिमेंट विल बी आईडीएल। And this current element makes an angle of theta to the position vector or the vector joining this current element with the point P at which we have to find the magnetic field. Okay, इसको अंदर वाले साइड लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे वो एक लाइन बनानी है हमें, alright। और ये जो इस सेंटर लाइन पर perpendicular distance से जो है distance of this current element है, let's say that's L, in terms of length variable लिखेंगे हम ये, okay। और ये जो एंड्स है इस वायर के एंगल सबटेंड कर रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स। मान लो ये वाला जो एंगल है ये है थीटा वन, और ये वाला जो एंगल है मान लो थीटा टू, ओके। तो हमारे पास क्या है, कुछ चीजें हम एज्यूम कर रहे हैं। आइडियल जो है ये है हमारे पास करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट वेक्टर क्वांटिटी आपको उसको हम फिलहाल ऐसे लिखेंगे, ओके। आर वेक्टर एंड थीटा जो है ये है क्या, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी एट विच मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड, एट विच मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड, ओके। एंड लेट्स से ये जो x है दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ, किसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पॉइंट पी फ्रॉम वायर, ओके। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज कॉन्स्टेंट, सो ये फिक्स वैल्यू होगा, ओके। और थीटा वन एंड थीटा टू जो है ये एंगल्स सबटेंडेड एट द एंड्स ऑफ द वायर बाय द लाइंस जॉइनिंग पॉइंट पी। पॉइंट पी पे जो लाइन ज्वाइन करेंगे इन दो एंड से, वो क्या क्या एंगल सबटेंड कर रहे हैं, थीटा वन एंड थीटा टू, राइट। तो हमें सिंपल डेफिनेशन पता है, अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखेंगे हम खाली, दैट इज म्यू नॉट यू नो इट्स द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इट्स आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर, ओके। वेरी इजी। बट इसमें क्या चीज है, इसमें कुछ ऐसे पैरामीटर्स है जो सारे वेरिएबल बन जाएंगे अगर हम इसका ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड कर लिया, इतना इस पूरे लेंथ की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा, इंटीग्रेट करेंगे इसको। अगर जब इसको इंटीग्रेट करोगे, इसमें तीन वेरिएबल आ रहे हैं, हर किसी करंट तो फिक्स है, डीएल का वैल्यू चेंज हो जाएगा जैसे हम नीचे से ऊपर इंटीग्रेट करेंगे, और तो बोलना थीटा डिफरेंट होगा डिफरेंट पोजीशंस के लिए, और ये आर का वैल्यू भी डिफरेंट होगा डिफरेंट पोजीशंस के। तो हम ऐसा करते हैं कि हम इनको एडजस्ट करते हैं सबको, या तो डीएल के टर्म्स में लाओ, या तो थीटा के टर्म्स में लाओ, या तो आर के टर्म्स में लाओ, ओके। अब थीटा के टर्म्स में ज्यादा इजी रहता है, तो हम क्या करेंगे, मान लो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, नाउ फ्रॉम फिगर, अगर आप फिगर से देखोगे क्या होगा, फ्रॉम फिगर यहां पे टेन ऑफ थीटा का वैल्यू फाइंड करोगे, इस थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज एक्स अपॉन एल के बराबर आ जाएगा,
इनको इंटरचेंज करेंगे तो एल का वैल्यू आएगा किसके बराबर, एक्स अपॉन टैन थीटा, एंड यू नो द रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, कॉट थीटा। ये एल क्यों फाइंड किया हमने, इसलिए अगर हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको अलग रखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड तो ये बनेगा डी एल इक्वल एक्स कॉट थीटा का मतलब क्या आएगा, इसकी डिफरेंशिएशन, एक्स तो फिक्स है ये कॉन्स्टेंट रहेगा, कॉट की डिफरेंशिएशन होती है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, और थीटा की डिफरेंशिएशन होती है डी थीटा। तो हमारे पास डी एल आ गया माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखो एक परेशानी हमने कम कर ली, हमने इस डी एल वेरिएबल को भी इस थीटा के टर्म्स में लाया। ओके अब हो गया एक वेरिएबल का, अब ये आर की परेशानी है, इसको देखते हैं क्या करेंगे। नाउ अगेन इसी ट्रायंगल में देखेंगे, अगेन हमारे पास क्या है, ट्रायंगल से देखेंगे क्या, कोसेक ऑफ थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा जो है ये वाला है, कोसेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये आएगा सीधा आर अपॉन एक्स, विच इंप्लाइज आर का वैल्यू, सॉरी दिस आर जो है ये आएगा किसके बराबर, एक्स कोसेक ऑफ थीटा। देखो आर भी आ गया, ये वेरिएबल भी आ गया थीटा के टर्म्स में, ये भी आ गया थीटा, इनमें एक कांस्टेंट टर्म है एक्स और एक्स, ये फिक्स वैल्यू है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके तो इजी हो गया, अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू जो है ये पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमें वैल्यूज मिल जाएंगे इधर। ओके तो ये वैल्यूज हम पुट करेंगे इस इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या होगा, तो पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दीज वैल्यूज in equation number first, so we get dB equals mu naught upon 4 pi is fixed, current side में लिखेंगे fix dl के बदले में, this minus x cosec square theta d theta, then there is sin theta, okay, then there is division r का square, that is x square cosec square theta, easy, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो है ये क्या हो जाएगी कैंसिल, तो हमारे पास बच जाएगा माइनस साइन के साथ म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई, यहाँ पे और एक चीज कैंसिल हो गया, एक्स का स्क्वायर नीचे एक्स, और ऊपर बचा है साइन थीटा डी थीटा। सी ये तीन अननोन वेरिएबल्स जो है इनको हमने कन्वर्ट कर लिया है एक वेरिएबल में, दैट इज थीटा, क्योंकि ये सारे टर्म जो है कॉन्स्टेंट है। ओके अब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना इजी होगा, कैसे, सीधा इंटीग्रेट करेंगे इसको। ओके तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब वेरिएबल है थीटा, तो थीटा का वैल्यू आप थीटा वन से लेके थीटा टू तक इंटीग्रेट करोगे, तो टोटल मैग्नेटिक नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए क्या होगा, बी ऐसे लिखेंगे, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, is given by, क्या लिखने की क्या जरूरत है ये आपको पता ही है, इंटीग्रेट करके लिखेंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा b, that's equal to integral of small b, okay? कहां से कहां करेंगे इसको इंटीग्रेट, थीटा वन से लेंगे थीटा टू, तो ये db का वैल्यू डाल दो, तो b का वैल्यू आ गया इंटीग्रल थीटा वन टू थीटा टू, db के बदले माइनस म्यू आई अपॉन फोर पाई एक्स साइन ऑफ थीटा एंड डी थीटा, जो इसमें कॉन्स्टेंट टर्म्स है उनको बाहर निकालेंगे, तो b का वैल्यू आ गया म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई एक्स इज कॉन्स्टेंट, आप माइनस को भी बाहर निकाल सकते हो क्योंकि, बट यहाँ पे फर्क क्या है, क्योंकि ये माइनस साइन थीटा का हमें डायरेक्ट इंटीग्रल आ जाता है, नहीं तो माइनस माइनस फिर करेंगे मल्टीप्लाई, एक स्टेप फार्मा का बढ़ जाएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई एक्स माइनस साइन की इंटीग्रेशन होती है प्लस कॉस, कॉस सॉरी थीटा, लिमिट डालेंगे थीटा वन से लेके थीटा टू तक। ओके तो हमारे पास ये अपर लिमिट डालेंगे इसका वैल्यू माइनस लोअर लिमिट डालेंगे, तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाता है क्या, कॉस ऑफ थीटा टू माइनस कॉस ऑफ थीटा वन। रिमेंबर यहां पे आपको ये किसी बुक में प्लस भी दिख सकता है माइनस भी होगा, डिपेंड करता है क्या कि पहले ही कोई ऑलरेडी किसी बुक में इसका साइन कन्वेंशन इस वाले एंगल का पॉजिटिव लेते हैं इसका नेगेटिव ले लेते, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शंस में एंगल बन सकते, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ये माइनस ही होगा,
फिर क्या करना है आपने, और ये ऑप्शन यहाँ पे आप लिख के रखो कि ये मैग्नेटिक फील्ड आपका किसी बुक में ऐसा भी होगा 4πxi into ये होगा cos ऑफ थीटा 2 प्लस cos ऑफ थीटा 1। ओके, तो जब आप ऐसे लिखोगे बेटर रहेगा ये वाला, फिर इसमें साइन कन्वेंशन यूज करो, नहीं तो ये वाला लिख लो, फिर आपने क्या करना है इसमें चेंज ज्यादा नहीं करने हैं। वो क्या मतलब होता है, फिर आपने ये बड़ा वाला एंगल नहीं, फिर आप छोटा वाला एंगल लोगे, तो बेटर इसलिए प्रेफरेबल कौन सा है, ये वाला आप नेगेटिव लोगे। ठीक है, तो ये ऐसा ही बनता है जब हम वैल्यूज पुट करेंगे इसमें कॉस के। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कुछ केसेस की कहां कहां पे ये क्या क्या हो जाता है। ठीक है, ये तो हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन आ गए। अब अगर हमें फाइंड करना है इफ द वायर इज इनफिनिटली लॉन्ग, इफ द वायर इज इनफिनाइट लॉन्ग, इनफिनाइट लॉन्ग, इनफिनाइट लॉन्ग का मतलब क्या, ऊपर इन्फिनिटी नीचे इन्फिनिटी। देखो मतलब क्या है, कि अगर मैं इसको नीचे नीचे ले जा रहा हूँ, ये लाइन जो है ये भी नीचे बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप देखोगे ये एंगल का वैल्यू बढ़ रहा है, जितना आप नीचे जाओगे ये एंगल का वैल्यू और क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एज दिस लेंथ टेंड्स टूवर्ड्स इन्फिनिटी, जैसे ये वाली लेंथ इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो ये जो एंगल है ये जा रहा है 180 की तरफ। तो हम क्या लिखेंगे, ये जो थीटा 1 जो वैल्यू है उसके लिए कितना होगा, पाई रेडियन लिख लो या लिख लो 180 डिग्री। और एंड अब ऊपर वाला वैल्यू देखो, जैसे इसको आप ऊपर ले जाओगे ये वैल्यू जो है ये क्या हो रही है, कम हो रही है, और ऊपर और कम। व्हेन इट टेंड्स टुवर्ड्स इनफिनिटी दिस वैल्यू टेंड्स टुवर्ड्स जीरो, तो थीटा 2 का वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगा, 0 डिग्री या 0 रेडियन एक ही बात है। ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर बनेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4πx cos ऑफ थीटा 2 cos 0 माइनस cos ऑफ थीटा 1 दैट इज cos ऑफ पाई रेडियन। ओके, तो ये बन गया किसके बराबर, म्यू नॉट आई अपॉन 4πx अपर लिमिट cos 0 होता है 1 माइनस cos 180 होता है माइनस, और ऑटोमेटिकली हमेशा नेगेटिव आ जाएगा बिकॉज cos ऑफ थीटा का वैल्यू आपको पता है क्या, पहले ये लिखेंगे सिंपलीफाई 1 + 1 = 2, सो इट इज म्यू नॉट आई अपॉन 4πx into 2, ये 2 कट हो जाएगा, ये बनेगा किसके बराबर, म्यू नॉट आई अपॉन 2π x। So therefore magnetic field due to an infinite long wire carrying current I at a distance of x from the center of the wire, yeah, from the wire is equal to mu not I upon 2π x। तो ये क्या बोल रहा था मैं कि negative आएगा, क्योंकि जब तक ये angle cos theta का अगर आप देखोगे cos theta 0 से 90 positive होता है और 90 से 180 तक ये negative होता है। तो as long as this angle is greater than 90, this second term, this second angle value will come out as negative in every term. So this will automatically become positive. ये ही मैं आपको पहले बोल रहा था। मतलब क्या है कि let's say ये angle जो है 135 degree है, तो cos 135 जो है वो negative value आया। या आप इसको directly लिख सकते हो। Either you can write this as cos of 135, जो आप formula में minus लिख रहे हो। मान लो ऐसा ही। यहाँ देखोगे plus cos of 45, क्योंकि बात एक ही है, माइनस टाइम्स cos 135 एंड प्लस टाइम्स cos 45 एक ही बात। तो ये 135 आपने ये पूरा नीचे वाला एंगल लिया, 45 आप क्या ले रहे हो, ये 90 हटा के खाली ये वाला एंगल। ओके, तो ये आ गया इनफिनिट वायर की वजह से। और अगर आप ग्राफिकली देखना चाहोगे कि ये ग्राफिकली ये वैल्यू किसके बराबर आ गया, तो ग्राफिकली ये वैल्यू आप देख सकते हो कि अगर आप ग्राफ प्लॉट करना चाहोगे डिस्टेंस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर। ऑलराइट, अच्छा सेकंड इज कि अब अगर आप सेमी इनफिनाइट वायर लोगे, फॉर सेमी इनफिनाइट वायर के लिए क्या होगा, फॉर सेमी इनफिनाइट वायर या सेमी फाइनाइट वायर, मतलब जिसके एक एंड पे आप लोगे ये वायर, तो मतलब क्या है कि ये ऐसा होगा कि अभी ये नीचे वाला जो ये पॉइंट P है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हो वो इस एंड के नजदीक, दूसरे साइड से ये इनफिनाइट, आपकी मर्जी है कौन सा वाला हो क्या लोगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऊपर वाले साइड से लेंगे, चलो ऐसे ले लो बेटर ही रहेगा, ये है हमारे पास वायर। तो ये नीचे वाला एंगल जो है, अभी देखो ये वाला एंगल इसकी बात करो, ये जो थीटा 1 है, जैसे जैसे मैं इस पॉइंट को ऊपर ले जाऊंगा ये एंगल का वैल्यू जो है कम हो रहा है,
तो जब यहां पहुंचेंगे तो ये एंगल जो है नीचे वाला ये बनेगा 90 डिग्री। ओके, तो सेमी इन्फिनेट वायर के लिए क्या होगा, थीटा वन का वैल्यू होगा किसके बराबर, 90 डिग्री के लिए, और ऊपर से तो इन्फिनिटी की तरफ जा ही रहा है, और थीटा टू का वैल्यू जो है वो कितना होगा, 0 डिग्री। 90 डिग्री को या पाई बाय 2 रेडियंस या 0 रेडियंस। ओके, इस वाले केस के लिए इट गोज टू इन्फिनिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमारे पास है बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई x कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1। ओके, इसमें वैल्यू डालेंगे दोनों, क्या बनेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई x cos theta 2 that is cos 0 degree minus cos of theta 1 that is cos of 90 degree। cos 90 आपको पता है ये 0 के बराबर होता है, cos 0 जो है ये आपको पता है 1 के बराबर होता है, ये बनेगा mu not I upon 4 pi x। alright, so that is how you can calculate the magnetic field for a semi-finite wire, a semi-infinite wire, and remember this semi-infinite wire is half of this finite wire, और इसका भी एक जो है ग्राफिकल वेरिएशन सेम ही आएगा। ओके, ये तो हमने फाइनाइट एंड इनफाइनाइट लिया, व्हाट इफ कि आपके पास क्या होगी वायर जिसका एक फिक्स लेंथ ही होगी, तो तब क्या करोगे, तब प्रॉपरली एनालाइज करना है कि एंगल क्या बन रहा है, बाकी कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, फॉर्मूला आपने बेसिक लगाना है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, आपके पास एक स्क्वायर फ्रेम है ऐसा, थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा मैं ये देख, तो ये आपके पास इसकी लेंथ हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से 2L लेंगे फिलहाल। ओके, 2L लेंगे इसकी लेंथ, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है I। ओके, मैं एक साइड का बताऊंगा बाकी आप ऐड कर लेना सारे, इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, हमने बताना है कि इसके सेंटर पे इन चार वायर्स की वजह से कितना आएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले हम इस वायर का, फिर इस वायर का, फिर इस वायर का, फिर इस वायर का, तो कैसे करेंगे, इसको पहले ज्वाइन करेंगे, ये सेंटर से जो लाइन है ये कितनी है, टोटल है 2L, इसका हाफ है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर जो पिछले केस में वो x का वैल्यू था, अभी वो किसके बराबर है, l के बराबर। ओके, तो ये नीचे वाला एंगल लेते थे हम कि ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, अगर आप देखोगे सिंस इट इज अ स्क्वायर तो ये 45 होगा, ये 90 है, तो टोटल कितना बनेगा, ये बनेगा टोटल 135 डिग्री। ये चीज आप अंडरस्टैंड कर, अगर आप नेगेटिव ले रहे हो तो 135 लिखना है आपने, अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो तो आप सीधा लिख सकते हो इसको कितना 45 डिग्री, और ऊपर वाला एंगल जो है ये वाला एंगल, तो ये तो ऑटोमेटिकली 45 डिग्री ही। ओके, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे इस वायर के लिए, मान लो ये वायर क्या है LM, LM वायर के लिए अगर आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करोगे दैट इज सॉरी दिस इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां एल के बराबर, इंटू cos of upper limit, upper angle कितना है 45 degree minus cos of lower limit that is 135 degree, easy, किसके बराबर बन गया, mu not I upon 4 pi L cos 45 is 1/√2 minus cos 135 is minus 1/√2, तो इनको add करोगे it is mu not I 1/√2 plus 1/√2 आएगा 2/√2 आएगा 4 pi L into root 2, आप इसको simplify कर सकते हो ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन 2√2 इंटू पाई इंटू, ये आ गया एक वायर की वजह से, सेम आएगा इसका भी, सेम आएगा इसका भी, सेम आएगा इसका भी, ऐड कर लो क्योंकि इनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन मैंने आपको कल ही बताई थी कि करंट गोज आप मैग्नेटिक फील्ड कर्ल, आप ऐसे रखोगे थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, कर्ल ऑफ द फिंगर्स विद द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो इस वायर ये करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा इनवर्स इसकी वजह से, अब इसकी वजह से देखोगे करंट आगे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इनवर्स, इसकी वजह से करंट नीचे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स, इसकी वजह से करंट आगे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितना आएगा, टोटल फील्ड, अब वैल्यू भी सेम होगी क्योंकि लेंथ भी हर किसी वायर की सेम है, ओके, करंट भी सेम है और एंगल भी सेम है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा बी नेट वो आएगा क्या, 4 times दिस B that is 4 mu naught I upon this is 2√2 pi into L, इसको आप simplify कर सकते हो 2 mu naught I upon √2 pi into L, √2 को rationalize करके ऊपर ले जा सकते हो, आपकी मर्जी है जैसे करना है करो, ये होगा किस direction में, inverse direction में। Okay, so that's how you can apply Bart's formula to find the magnetic field due to a straight wire. Okay,
तो लूप की वजह से कैसा होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।